सरकार कांग्रेस की आओगी मोदी तो आप ये देखो, पहला जो धरने की टेम लखनपुर खीरी किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जम्मू कश्मीर रुक रहे मोदी प्रधानमंत्री है, केजरीवाल मुख्यमंत्री था, वो अंदर कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर में गाड़ी उड़े, चिड़िया भी पर को नहीं मारे, 40 जवान मारे, कोई संभाल नहीं हुई। ये जवान फंस रहे हैं, चाहे फौजी हो चाहे कोई अफसर हो, उड़े तो पुंजल मरोड़ दे मोदी, आड़े जनता के बीच में फंस गए। इबके वोट कांग्रेस के देवांगे, वोट की चोट मारांगे, हमें पूरी शांति पूरी बैठे हैं। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जो, या कांग्रेस के वोट जाएंगे, कोई कैंडिडेट आ जो, कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आ जो, वोट उसको देंगे। ने बता वह जे जी पी कह ले, यू दूसियत कह ले, सारा दे कोड़ा उस करे वो करे नहीं, इनकी करया के है नहीं, कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, इनकी को जे जार मिलो 500 मिलो, कहीं वोट कट नहीं करे हैं, कांग्रेस के वोट देंगे कोई आ जाओ। कारण यू हमारी मान ले हैं थोड़ी घनी, यू मानता तो कोई नहीं मोदी। फिर यो अडवाणी से जो है तेरा यूपी शाणा, यू मारी जमीन खरीद लेगा, मार पे मेहनत कराओगा, हमारा सस्ता नाज लेगा, हम इकड़ जाओगे। इस किस बारे में जमींदार बीजेपी के खिलाफ हैं सारे, सिर्फ बदलाव चाहवा जी, बदलाव करांगे जी। क्यों चाहते हैं बदलाव? न्यू चाहवा जी, 70 साल तक जो कांग्रेस ने संस्था खड़ी थी नहीं, इस बीजेपी सरकार ने सारी बेच दी। मैं हाँ जी, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जो, हम उसको वोट करेंगे जी। वरिंदर सिंह आने से जी खूब मजबूती मिली है जी। ये तो गांव सारा का कांग्रेस ने देगा, वरिंदर ने, वरिंदर में इतनी ताकत से बीजेपी जाए जिताई थी, रिप कांग्रेस ने जिता देगा। क्या चाहता है हरियाणा? ग्रामीणों ने किया बड़ा दावा, भाजपा 400 पार नहीं 115 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों से है जनता नाराज। हिसार लोकसभा में कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वोट सिर्फ कांग्रेस को। ग्रामीणों ने कहा अब की बार कांग्रेस सरकार। जनता 10 साल के कार्यकाल से है दुखी। तहलका हरियाणा के खास कार्यक्रम क्या चाहता है हरियाणा के तहत विधानसभा उचाना के गांव खरकपुरा में पहुंची तहलका हरियाणा की टीम। हिसार लोकसभा के लिए जनता का मूड जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया अब की बार कांग्रेस सरकार। वीरेंद्र सिंह के आने से कांग्रेस को मिली मजबूती। ग्रामीणों ने यह तक कह दिया अब की बार भाजपा का 400 पार वाला नारा 115 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए उसको करेगी जनता वोट। उचाना से हमारे संवाददाता प्रदीप शोकंत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, जनता का मूड जानने के लिए हिसार लोकसभा के अंदर आता है उचाना, जो कि विधानसभा की एक हॉट सीट मानी जाती है, और उसके गांव खरकपुरा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तो तमाम मेरे पीछे देख रहे हुए बुजुर्ग हैं, उनसे जो तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या है जनता का मूड, किस ओर वोट वो करना चाह रहे हैं। ताऊ जी नमस्कार। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तीसरी बार मोदी सरकार या फिर कांग्रेस सरकार? सरकार कांग्रेस की आओगी मोदी तो आप ये देखो, पहला जो धरने की टेम लखनपुर खीरी किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जम्मू कश्मीर रुक रहे मोदी प्रधानमंत्री है, केजरीवाल मुख्यमंत्री था, वो अंदर कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर में गाड़ी उड़े, चिड़िया भी पर को नहीं मारे, 40 जवान मारे, कोई संभाल नहीं हुई। और जो किसान हक मांगे उधर बॉर्डर पे, लड़के के गोली मारी, नु बता क्यों, ये जवान फंस रहे हैं, चाहे फौजी हो चाहे कोई अफसर हो, उड़े तो पुंजल मरोड़ दे मोदी, आड़े जनता के बीच में फंस गए। और जो जितना भी किसान है, कड़िया धरना भी कर, शांतिपुरिया
अपना हक मांगे हैं, इनके वोट कांग्रेस के देवांगे, वोट की चोट मारांगे, हमें पूरी शांति पूरी बैठे हैं। अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है कैंडिडेट की, तो ऐसे में कैंडिडेट कोई भी आ जाए या कोई विशेष कैंडिडेट? कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, और वीरेंद्र सिंह तो किसाना के बारे में पहले भी बोल रहा था, और सतीपा ठीक सीधा विजेंद्र दे क्या है, मैं पहले भी बोल रहा था वीरेंद्र सिंह तो एक उरे उरे नहीं देखता, सारे हरियाणा का देखे है और किसाना के साथ है। अच्छा, कांग्रेस के वोट जाएंगे कोई कैंडिडेट आ जो है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कोई मजबूती मिली? खूब मिली, मिले भी की पूरा उरा, आपने देखा होगा जो जींद रैली करी, और बिजेंद्र सिंह उधर से आया, लखन मादरे से चली थी जनता, आपने देखी होगी जींद खटखट टूल पे थे, और उरेगा तो कहने के है सारे गल्ले हैं भी उसके, और पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आ जो वोट उसको देंगे। जेजेपी पार्टी भी चर्चाओं में है, वो भी कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, 5 कैंडिडेट उन्होंने घोषित भी कर दिए हैं, तो ऐसे में जेजेपी को कहाँ देख रहे हैं आज? नहीं बता, वो जेजेपी कह ले, यू दूसियत कह ले, सारा जे कोड़ा उस करे वो करे नहीं, इनकी कर्या के है, नहीं कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, इनकी को जे 1000 मिलो 500 मिलो कहीं वोट कट नहीं करे हैं, सभी लोग बढ़े थे मारे तो दे गांव की बात करा हम 36 जाते, और नहीं सारे प्रचार यही है वे कांग्रेस को वोट देंगे। और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, तमाम जानकारी उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कौन सी सरकार देखने को आपको पसंद है, कौन सी सरकार को वोट आप? बूढ़ा कहता जो कांग्रेस के वोट देंगे कोई आ जाओ, क्या कारण है कांग्रेस पार्टी की तरफ आप जाना चाह रहे हैं? कारण यू हमारी मान ले हैं थोड़ी घनी, यू मानता तो कोई नहीं मोदी। किन मुद्दों के कारण आप नाराज हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप भाजपा? जैसे बता था 3 करोड़ लागने साल के बच्चे कोई लाया नहीं, ना हमारी कड़िया मांग मांगनी, फिर यो अडवाणी से जो है तेरा यूपी सियाणा यू मारी जमीन खरीद लेगा, मार पे मेहनत कराओगा, मारा सस्ता नाज लेगा, हम इकड़ जाओगे। तो सभी ने ये मन बना चुका आपकी बात? हाँ, ओले पड़े नहीं चाणा में, इसमें कोई सुनाई नहीं, जमींदार चुकड़ा गुआन तहसील में बैठे रहे, सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी जमींदारों के बारे में, इस बारे में जमींदार बीजेपी के खिलाफ हैं सारे। सिर्फ जमींदार खिलाफ है बीजेपी से ना, और जात भी गल्ले हैं, गल्ले है हमारा जात छत्तीस जात हमारा गाँव में हमारा गल्ला है। हाँ, और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, क्या कहेंगे इस बार, किसको वोट करेंगे अब की बार, कांग्रेस या भाजपा? इपको बदलाव चाहवा जी, बदलाव करांगे जी। क्यों चाहते हैं बदलाव? न्यू चाहवा जी, 70 साल तक जो कांग्रेस ने संस्था खड़ी थी नहीं, इस बीजेपी सरकार ने सारी बेच दी, मैं जो बच्चे ये बेरोजगार पर इस कारण फिरे हैं, सारे बेरोजगार हो गए बच्चे, संस्था बेच दी, कोई नौकरी मिलती नहीं, कुछ नहीं मिलती, सारा इस तय इस गांव की 36 जैत नाराज है। शनराज जी का बदलाव चाहें जी, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जो हम उसको वोट करेंगे जी। अब की बार कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र सिंह भी आए, तो कैसी मजबूती मिली? खूब मिली है जी पार्टी ने, कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह आने के से जी खूब मजबूती मिली है जी। और भी तमाम बुजुर्ग साथ में, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, अब की बार किसको वोट करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार तो कह रहे हैं 400 पार। ये तो गांव सारा का कांग्रेस ने देगा, वीरेंद्र ने, वीरेंद्र में इतनी ताकत से बीजेपी जाए जिताई थी, रिप कांग्रेस ने जिता देगा। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 पार भी नहीं कर दे, मैं तो फड़फड़ा रहे हैं बस। अब की बार वोट नहीं दोगे भाजपा? नहीं, एक भी दिन दे जब। और भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, अब की बार लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में किस ओर वोट करना पसंद करें, कांग्रेस या भाजपा या किसी और पार्टी को?
मेरी कांग्रेस है जी बोलो तो कांग्रेस हाँ बिल्कुल कांग्रेस। क्या विशेष मुद्दा है, क्यों कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं? ईमानदार आदमी हमारे घर का आदमी और कर जाएंगे हम। 24 गवा मालिक जलदार है और वोट देने में कोई जगह नहीं है। ये आपके गांव की बात हो रही है, बाहर का क्या माहौल रहेगी? यह बात है कड़िया जाले आप चंदारनून जाले उड़े भी एक लड़की पड़ रही है वोट नहीं देना कांग्रेस इसको बीजेपी को या किसी और को। अब की बार जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं लोग। उतार लो सौ पर उतार लो कुछ नहीं है, ले जाएगा 200-250 कई फर्क पड़े उड़े तो कुछ है नहीं उड़े दो भी कौन बस 200-250 वोट और के लाओ आप उड़े कुछ नहीं उड़े तो 100-150 वोट को नहीं इस गांव में तो। और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं जी। और देखिए बात करने की कोशिश करते हैं तो जब की बार लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसको वोट करना पसंद करोगे? मैं कांग्रेस का कोई भी है उसका करांगे, कोई भी आज चकड़िया का आज कांग्रेस को। क्या ऐसी क्या खास बात है कांग्रेस? खास बात बता दे चौधरी बलिंदर का श्याम में न्यूनन बीजेपी गाने गाने ज्यादा न्यूनन देंगे ये न्यूनन क्या न्यूनन दे देंगे। हरियाणा में तो इसकी गाड़ी घुमा है। किनकी घूमती गाड़ी? चौधरी बलिंदर की। देखिए यहाँ पर तमाम जानकारी हमने ली, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का एक तरफा माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है क्योंकि ये भाजपा से जो उन्होंने बताया किसान आंदोलन और कई मुद्दों को लेकर जो नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव खरगपुरा की चौपाल में और यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हमारे साथ थे, उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ प्रदीप शोकन। हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए, गांव का मिजाज जानने के लिए, लोगों का किस ओर रुख है वोट करने का, वो तमाम जानकारी लेने के लिए उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव खरगपुरा के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है तो तमाम जानकारी यहाँ से लेंगे। यहाँ पर तालाब के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जानकारी यहाँ से लेंगे कि किस ओर वोट करना चाहेंगे। अब की बार फिर भाजपा कह रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार और एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार, तो आपकी क्या राय है किस ओर वोट करना चाहेंगे? देखो जी दावे तो हर कंस्टिट्यूंसी में हर एक कैंडिडेट करता है जी हमारी सरकार आएगी हमारी सरकार आएगी हम बनाएंगे। मतलब मेन मुद्दा तो हम लेकर चले जो कि किसानों का है, किसानों के लिए मतलब इतना कुछ नहीं किया जो कि किसान को ज़रूरत है, किसान को के लिए हक में करना चाहिए था इनको, मतलब इतना नहीं किया। मेन मुद्दा तो किसानों का है। हम तो आप किसकी तरफ वोट करेंगे, आपके जो साथी हैं आप गांव वाले हैं किसका वहां पर रुझान है इस वक्त? कांग्रेस का, यहां पे तो कांग्रेस के रुझान ज़्यादा है इस गांव में। क्या विशेष वजह क्या लगी कांग्रेस के अंदर मतलब ऐसा देखने की कि कांग्रेस की तरफ आप वोट करें? कांग्रेस की मतलब विशेष वजह नहीं है, मतलब जो कि हरियाणा में 75% किसान है जमींदार है तो इससे बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी से नाराज होने की वजह से हम कांग्रेस को वोट देंगे। दुष्यंत चौटाला भी इसके साथ ही था, उसने भी कुछ नहीं किया, उसने भी किसानों को आतंकवादी बताया है। ये तो कानून लागू हो गया, इनको कोई मना नहीं कर सकता, ये भी किसानों के खिलाफ बोला है। तो बीजेपी ने तो इसके हक में कुछ किया ही नहीं, किसान 13 महीने पहले बैठे रहे अब तक कुछ नहीं किया, यहाँ पर ओले पड़े लोगों के लिए अभी कोई संभाल नहीं। हम गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, ये कराएंगे, 8 क्विंटल की कंडीशन रख दी, 8 क्विंटल में या चाह चीनी नूण दी में निकाम चलता लोगों का, तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल हम कैसे पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल हम कुछ बहुत से सरकारी स्कूल बंद कर दिए तो फिर कहाँ जाएंगे कहाँ पर लोग? इसलिए बेरोजगारी से दुखी हैं, ताकि ये दूसरा विकल्प अब दोबारा से कांग्रेस आए इसके। आपने जेजेपी का जिक्र किया तो जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट लोकसभा में उतारे हैं और एक लिस्ट भी जारी कर दी है, तो उनको क्या कुछ वोट बैंक मिलेगा, क्या कुछ मतदान? नहीं इतना नहीं है, ताऊ देवलाल के नाम पर वोट मांगते, इनका पर्सनल कोई ऐसा जनाधार नहीं है। ताऊ देवलाल के नाम से वोट मिलते थे, ताऊ देवलाल के नाम पर वोट मांगते, वे अच्छे व्यक्ति थे जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा किया, उन्हें वृद्धा पेंशन बहंदी जो कि इसी की देन है, मतलब इनके ताऊ देवलाल के पद चिन्हों पर चले नहीं, उसके नाम से वोट मांगते हैं। सिर्फ की बार भाजपा सरकार कह रही है कि 400 पार, तो 400 पार किस तरीके? ये तो झूठ है, इतना नहीं होगा, इतने नहीं आएगी, ये आएगी 175-180 के आसपास सीट आएंगी भाजपा की, इतने नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो वैसे हल्ला हो। पहले इसमें विधानसभा में भी कह रहे थे 75 पार 75 पार, ये 40 पार टक गई, मतलब कई जगह झूठे नारे दिए, ऐसा कोई बात को नहीं है।
अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या कहें 130 सीट आऊंगी मोदी की और आवे 400 जो किसान ही बात मान लीजिए पूरी 400 आवे उसकी उसी माननी नहीं बात मारी हमें बैठे रहे और दो बार गए एक बार भी नहीं बात मारी मैंने 130 सीट लेके जाऊंगा कुछ कर लियो सब। तो किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? हम तो कांग्रेस की बनावांगे इसको। तो क्या खूबी देख रहे हैं कांग्रेस में, क्या खास देख रहे हैं? बर्थ की टीवी पहला मोदी बर्थ लिया बर्थ लिया साल को फिर वो बदलती थी। अब वीरेंद्र सिंह ने वापसी की है कांग्रेस पार्टी में, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ फायदा होगा पार्टी को? पहला भी फायदा होगा मुझे बीजेपी आने यू फायदा होगा है, ठीक बात है। और भी साथी मौजूद उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किस ओर वोट करना पसंद करेंगे? अब की बार कौन किसको पीएम का चेहरा देख रहे हैं? मैं तो आज वीरेंद्र सिंह है, हाँ चाहे कांग्रेस में जाओ चाहे भाजपा में जाओ हाँ मैं तो इसके साथ ही हाँ। लेकिन अब की बार तो इन्होंने भाजपा को छोड़े कांग्रेस में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बहुत बढ़िया करे आज छोड़ गया इसका चलने दी इसके भाजपा ने काम इसके बने नहीं हो तो क्या करेगा कांग्रेस में तो ऐसे बात ज्यादा इतनी उड़ाना इसका कोई काम नहीं बन दिया जो भाजपा में बच गया ये बात अपना इसमें कांग्रेस में बच गया उनके काम नहीं बन दिया तो अभी भी वही है। हाँ उड़ा वही है इनकी समझौता हो गया होगा जी। देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी ग्रामीणों से हमारी बात हुई है उन्होंने तमाम जानकारी हमें कांग्रेस के साथ जाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किस ओर वोट जाना है आपका, क्योंकि एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस है और अब की बार मुकाबला बताया जा रहा दोनों में, क्या कुछ? भाई हम तो कांग्रेस के देवांगे, हाँ वीरेंद्र सिंह भाई बजेंद्र के वोट देवांगे। अभी तक तो टिकट फाइनल नहीं हुई तो आप कह रहे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट तो फाइनल है ब्रजेंद्र की, कई दिन हो गए हुई ना अभी तक तो लिस्ट जारी ऑफिशियल तो कोई लेटर नहीं मिला अभी। नहीं जी फेसबुक पे देखा था यूट्यूब पर हाँ नेट पे देर की थी वो फेक बताई जा रही थी कि फेक लिस्ट आई चाहे मनमोहन आओ यो चंद्रमोहन आओ या विजेंद्र आओ हम वोट कांग्रेस ने दिवाए वोट कांग्रेस को दिवाए। हमारे साथ तमाम जो ग्रामीण थे उन्होंने हमें जानकारी दी कि वो वोट अब की बार कांग्रेस की ओर करना पसंद करेंगे, और भाजपा के कई मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए कि किसान आंदोलन का मुद्दा उन्होंने हमें बताया कि तमाम तरीके की खबर पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ प्रदीप शोकंद।